Good morning, friends. How are you? I hope you all are fine. In today's video, I will explain Snapshot's third chapter. And name of third chapter is Ranga's Marriage, written by the writer Mast Venkatesha Iyengar. Before explaining the chapter, I want to tell you about introduction and characters of chapter. So firstly, introduction of the chapter. This chapter, Ranga's Marriage, highlights the evil of child marriage. इस चैप्टर में चाइल्ड मैरिज की जो बुराई है उसको हाईलाइट किया है. इट शोज हाउ पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू एस्ट्रोलॉजर्स. एस्ट्रोलॉजर मीन्स फ्यूचर टेलर. इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे लोग एस्ट्रोलॉजर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं. एंड देयर व्यूज आर डिपिक्टेड वेरी डेलिकेटली. और एस्ट्रोलॉजर्स के व्यूज हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं. द एजुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज ऑल्सो अंडर प्रेशर ऑफ ऑर्थोडॉक्स व्यूज. ऐसा नहीं है कि जो अनपढ़ है वो ही उनके पास जाते एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं. इवन हमारी सोसाइटी का जो एजुकेटेड सेक्शन है वो भी उनके व्यूज से इफेक्टेड है. वो भी उनके पास जाते हैं, उनके ऊपर भी उनका इफेक्ट होता है. नाउ कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट इज रंगा. रंगा ही इज प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर. सन ऑफ लेखपाल अकाउंटेंट. हिज फादर नेम इज लेखपाल एंड ही वॉज अकाउंटेंट. फॉलोवर ऑफ कास्ट. कास्ट मीन्स मैनर्स, संस्कार. वो अपने संस्कारों को फॉलो करता है. इंटेलिजेंट. रत्ना. सी वॉज प्रिटी गर्ल ऑफ 11. सी नोज वेरी वेल हाउ टू प्ले वीणा एंड हारमोनियम बिकॉज सी बिलोंग्स टू सिटी. नेक्स्ट इज श्यामा. नैरेटर. ही इज नैरेटर ऑफ द चैप्टर. वेरी टैक्टफुल, इंटेलिजेंट एंड वेल प्लानर. इनकी प्लानिंग है वो चैप्टर के एंड में सक्सेसफुल होती है. इन दिस वे वी कैन से ही वॉज ए गुड प्लानर. नेक्स्ट इज श्यामा. There are two Shyama in this chapter. First one is narrator of the chapter and second son of Ranga and Ratna. Next is Shastri. Shastri, he is astrologer. Astrologer means future teller. And he is friend of narrator, means Shyama. Rama Rao, he was uncle of Ratna. इस चैप्टर की समरी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. So today we will explain line by line. For better understanding, you can open your book in front of you. If you have book, then you can open. If you don't have book, then no problem. Listen carefully. Ranga's Marriage. When did you see this title? Some of you may ask. अब यहाँ पे नैटर है श्यामा. वो कहता है कि जब तुम इस टाइटल को देखोगे तो तुम मुझसे पूछोगे. टाइटल कौन सा? रंगास मैरिज. जब तुम रंगास मैरिज टाइटल को देखोगे तो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन क्या आएगा? रंगास मैरिज. व्हाई नॉट रघुनाथ विवाह. कि इस चैप्टर का जो टाइटल है वो रंगास मैरिज ही क्यों है? इसका टाइटल रघुनाथ विवाह क्यों नहीं है? या फिर Well, yes, I know. I could have used some other more feeling one like Jagannath Vijay. या फिर कोई और attractive title जैसे कि Jagannath Vijay क्यों नहीं है? या फिर Girija Kalyana. ये title क्यों नहीं है? इस chapter का जो title है वो Ranga's Marriage ही क्यों है? तो यहाँ पे बच्चों हमारा question भी frame होता है कि इस chapter का जो title है वो Ranga's Marriage ही क्यों है? Why not other? कोई और टाइटल क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है इसका आंसर यहाँ पे है. बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजा वेडिंग. ये चैप्टर है ये किसी जगन्नाथ विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स विजय, जगन्नाथ की विक्ट्री के बारे में या गिरिजा वेडिंग या किसी गिरिजा नाम के पर्सन की वेडिंग के बारे में नहीं है. इट इज अबाउट अवर रंगास मैरिज. ये चैप्टर किस मैटर में है? दिस चैप्टर इज अबाउट रंगास मैरिज. सो इट्स टाइटल इज रंगास मैरिज विच इज वेरी अप्रोप्रिएट. एंड हैंस नो फैंसी टाइटल. इसीलिए कोई भी इसका फैंसी टाइटल नहीं है. फैंसी मीन्स अट्रैक्टिव. होसाहली इज अवर विलेज. नैटर है वो होसाहली विलेज से बिलोंग करता है.
तो कहता है कि होजाली इज अवर विलेज, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने इस विलेज के बारे में सुना होगा. नो, नहीं सुना है. व्हाट अ पिटी. बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, लेकिन तुमने इसका नाम नहीं सुना है, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है. देर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि होसाली है उसका जिक्र वो कहीं भी किसी भी ज्योग्राफी बुक में मेंशन नहीं है. अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि होसाली है वो किसी भी मैप में मेंशन क्यों नहीं है. तो उसका आंसर है, तो यहाँ पे राइटर ने क्या बताया कि वो किसी भी ज्योग्राफी बुक में मेंशन नहीं है. क्यों नहीं है? दोज साहिब्स इन इंग्लैंड, कि जो इंग्लैंड के साहिब थे, जो ब्रिटिश मैन थे, राइटिंग इन इंग्लिश, प्रोबेबली डोंट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, उनको नहीं पता था कि कोई इस नाम का प्लेस है, वो भी है. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसीलिए उन्होंने इसको मेंशन नहीं किया. आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे पीपल हैं वो भी इसके बारे में भूल गए होंगे. यू नो दैट इट इज, ऐसा क्यों हुआ होगा? दे आर लाइक ए फोक ऑफ शिप, ए फ्लोक ऑफ शिप. फ्लोक मीन्स हर्ड, झुंड, क्योंकि ये फ्लोक ऑफ शिप की तरह है, भेड़ों के झुंड की तरह है. अब फ्लोक ऑफ शिप में क्या होता है, यदि एक भेड़ जिस डायरेक्शन में जाती है सारी भेड़ें उसी को फॉलो करती है, एक गड्ढे में गिर जाती है तो सारे उसी को फॉलो, उसी गड्ढे में गिर जाती है, जिसको भेड़चाल बोलते हैं. तो जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने इसको मेंशन नहीं किया, तो जो हमारे लोग थे वो भी इसके बारे में भूल गए. वन सिप वॉक्स इनटू अ पिट, पिट मीन्स डिच, गड्ढा. एक सिप है, यदि वो पिट में गिरती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, जो बाकी सिप्स हैं वो भी उसको ब्लाइंडली मीन्स बिना देखे फॉलो करती हैं, वो भी उसी पिट में जाके गिरेंगे. When both the sites in England and our own geographers have not referred to it, जब इंग्लैंड के साहिब्स ने और हमारे ज्योग्राफर्स ने इसको कहीं मेंशन नहीं किया, you can't expect the poor cartographer to remember to put it on the map. तो जो कार्टोग्राफर है, कार्टोग्राफर मीन्स द पर्सन हु ड्रॉ मैप, जो मैप ड्रॉ करता है उसको यहाँ पे कार्टोग्राफर बोला है. तो जो ज्योग्राफर्स थे उन्होंने ध्यान दिया नहीं, जो इंग्लैंड के साहिब थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, तो कार्टोग्राफर्स ने भी इसको ध्यान नहीं दिया, इसीलिए होसाली विलेज है वो कहीं मैप में है ही नहीं. सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन. अब नेटर यहाँ पे सॉरी फील करता है कि उसने स्टार्ट तो कहीं और से किया था चैप्टर और वो किसी और डायरेक्शन में चला गया. इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज भारतवर्षा, जैसे कि भारतवर्ष में मैसूर स्टेट है वो इम्पोर्टेंट है. व्हाट द स्वीट करेगा दाबू, करेगा दाबू इज अ साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट फिल्ड विद कोकोनट एंड सुगर. ये साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट है जिसके अंदर कोकोनट और सुगर भरी जाती है. व्हाट द स्वीट करेगा दाबू इज टू अ फेस्टिवल मील, वैसे ही करेगा दाबू स्वीट है वो फेस्टिवल के लिए इम्पोर्टेंट है. देन होसाहली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू बी करेगा दाबू. अब यहाँ पे है एग्जाम्पल दिया है राइटर ने, उसने ये कहा है कि जैसे करेगा दाबू के अंदर जो मेटेरियल भरा जाता है वो करेगा दाबू के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मैसूर स्टेट के लिए होसाहली विलेज इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए उसने करेगा दाबू स्वीट की हेल्प ली है. What I have said is absolutely true, believe me. और डॉक्टर कहता है कि उसने वो जो भी बता रहा है वो बिल्कुल राइट बता रहा है, उस पर बिलीव किया जाए. आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन. तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे लेकिन मैं अपने ओपिनियन में बिल्कुल ही फिक्स हूँ, स्टेबल हूँ कि होसाली विलेज है वो मैसूर स्टेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. I am not the only one who speaks glowingly. Glowingly means बढ़ा चढ़ा के बोलना. To होसाहली, वो ये कहता है कि मैं अकेला ही नहीं हूँ जो अपने विलेज होसाहली के बारे में इतना glowingly बोलता हूँ, कोई और भी है.
वी हैव ए डॉक्टर इन अवर प्लेस, वहां पे एक डॉक्टर है होसाली विलेज में, हिज नेम इज गुंडा भट्ट एंड नेम ऑफ दैट डॉक्टर इज गुंडा भट्ट, ही एग्रीज विद मी, डॉक्टर गुंडा भट्ट भी उसकी बात से एग्री है, ही हैज बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, उसने बहुत सी प्लेसेस की विजिट की है, नो नॉट इंग्लैंड, बट इंग्लैंड की विजिट नहीं की, If anyone asks him whether he has been there, he says no Ananya. Here Ananya means a respectful term for elders in Kannad. ये कन्नड लैंग्वेज में रेस्पेक्ट से बोला गया एक टर्म है अनन्या. तो यदि कोई ये कहेगा तुम इंग्लैंड क्यों नहीं गए तो क्या कहेगा, नहीं अनन्या, I have left that to you. वो प्लेस मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया. Running around like a flea. Flea means A very small insect that sucks blood. एक छोटा सा इंसेक्ट जो ब्लड सक करता है जिसको हम बोलते हैं पिसू. Pestered. Pestered means troubled, tortured dog. अब गुंडावट कहता है कि वो एक फ्लिया पेस्टर्ड डॉग की तरह नहीं है, वो ऐसे डॉग की तरह नहीं है जिसके बहुत सारे फ्लिया हो, पिसू हो, जो कभी यहाँ बैठता है कभी वहां बैठता है. तो मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि कभी यहाँ गया कभी वहां गया, मैं ऐसा नहीं हूँ. इज नॉट फॉर मी. आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम्स. मैंने अपने टाइम में कुछ प्लेसेस देखे हैं. As a matter of fact, he has seen many. But reality में देखा जाए तो उसने बहुत से प्लेस देखे हैं. We have some mango trees in our village. अब नाइटर अपने होसाली विलेज को बारे में बताता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि why होसाली विलेज is famous for? उस विलेज की कौन चीजें फेमस हैं? Some mango trees in our village. वहाँ पे कुछ mango trees हैं. Come visit us. And I will give you a raw mango from one of them. नेटर कहता है कि हमारे विलेज आओ, वहां की विजिट करो, मैं आपको एक रो मैंगो, कच्चा जो आम है वो दूंगा. Don't eat it. उसे खाना मत. Just take a bite. एक bite लेना. The sureness is sure. Sureness means खट्टापन. Of sure to go straight to your Brahmanadra. Brahmanadra means एक्सट्रीम श्योरनेस को डिस्क्राइब करने के लिए इस फ्रेज को यूज किया गया है, इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का यूज किया गया है. आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम. अब नेटर कहता है कि एक बार वो ऐसा ही फ्रूट, एक रो मैंगो घर ले आया. एंड ए चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट. उसकी चटनी बनाई. ऑल ऑफ अस एट इट. सबने उसको खाया. द कफ वी सफर्ड फ्रॉम. उनको कफ हो गई, खांसी हो गई. आफ्टर दैट It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. और जब कफ होने के बाद वो डॉक्टर के पास गया तो उसने उन रो मैंगो की स्पेशल क्वालिटी बताई कि उनको खाने से कफ हो जाती है. Just as the mango is special, जैसे कि वहां के मैंगो स्पेशल हैं, so is everything else around our village. वैसे ही हमारे गांव में बहुत सारी चीज फेमस है, बाकी बहुत सारी चीजें स्पेशल हैं. वी हैव ए क्रीपर. क्रीपर मीन्स बेल. वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन एवर सो फाइन वॉटर ऑफ द विलेज पोंड. जो उनका विलेज पोंड है मीन्स जो तालाब है जिसको जोड़ बोल सकते हैं, जो गांव का जोड़ है, वहां पे उसके कॉर्नर पे एक क्रीपर मीन्स एक बेल उगी हुई है. इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बी होल्ड. फीस्ट मीन्स ब्यूटीफुल. बी होल्ड मीन्स लुक. उसकी फ्लावर्स है वो देखने बहुत ही ब्यूटीफुल है. गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन दिस टू सर्व द आफ्टरनून मील. और अगर तुम वहां पे उस पॉन्ड में नहाने के लिए जाओ तभी उस क्रीपर के दो लीव्स ले आओ, दो पत्ते ले आओ, और तुम्हें आफ्टरनून के मील के बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि तुम उन्हीं लीव्स में खाना खा सकते हो. यू विल से आई एम रैम्बलिंग. रैम्बलिंग मीन्स बीट अबाउट द बुश. इधर उधर की बातें करना. अब नेटर कहता है कि आप जो रीडर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल ही इधर उधर की बातें कर रहा है. इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप. ऐसा ही होता है जब उसके विलेज का मैटर आता है. बट इनफ
इफ वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, यदि तुम में से कोई भी यहाँ के विजिट करना चाहता है, ड्रॉप मी ए लाइन, हियर ड्रॉप मींस राइट, तो लेटर को एक लेटर लिखा जाए, आई विल लेट यू नो वेयर होसा अली इज, तो लेटर उसको बताएगा कि होसा अली कहाँ पे है, एंड वट थिंग्स आर लाइक हियर, द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू एग्री, किसी प्लेस के बारे में जानना है तो सबसे अच्छा है कि वहां की विजिट की जाए, डोंट यू एग्री, क्या आप इस बात से एग्री नहीं है, मीन्स ये बात फैक्ट है कि अगर किसी प्लेस की नॉलेज लेनी है तो वहां की विजिट करनी चाहिए. वट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपन 10 years ago. अब नेटर जो इंसिडेंट बता रहा है वो 10 years पहले वहां पे हुआ था. क्या हुआ था? वी डिडंट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश. होसाहली विलेज में 10 years पहले इतने पीपल, ऐसे पीपल नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे. आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी. उनके गांव का जो अकाउंटेंट है लेखपाल, अकाउंटेंट लेखपाल है, वो विलेज के फर्स्ट ऐसे पर्सन होते हैं जिन्होंने अपने सन रंगा को फर्दर स्टडी के लिए बेंगलोर भेजा है 6 months के लिए. इट इज डिफरेंट नाउ, लेकिन प्रेजेंटली इंग्लिश का जो इफेक्ट है उस विलेज में वो डिफरेंट है. देर आर मैनी हु नो इंग्लिश. प्रेजेंटली ऐसे बहुत से हैं जो इंग्लिश जानते हैं. ड्यूरिंग द होलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश. अब क्या है कि होलीडेज टाइम पे तुम हर गली में देख सकते हो कि इंग्लिश में बातें हो रही होती हैं, लोग इंग्लिश में बातें कर लेते हैं, बट 10 years पहले ऐसा नहीं था. दोज डेज, किन दिनों, बिफोर 10 years वी डिडंट स्पीक इन इंग्लिश. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वट वॉज द कंडीशन ऑफ इंग्लिश इन होसाहली बिफोर 10 years. 10 years पहले क्या कंडीशन थी उसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करना है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बच्चों कि दोज डेज वी डिडंट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों इंग्लिश में नहीं बोलते थे. नोर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग इन कन्नड़. वो कन्नड़ लैंग्वेज का यूज करते थे, वो कन्नड़ लैंग्वेज का यूज करते टाइम वो इंग्लिश यूज नहीं करते थे. वट हैज हैपन्ड इज डिसग्रेसफुल. डिसग्रेसफुल मीन इनडिसेंट, मीन्स बेकार, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ. हुआ क्या? द अदर डे आई वॉज इन रामाराव's हाउस. रामाराव फ्रेंड ऑफ नरेटर. एक दिन नरेटर है वो रामाराव के घर पे थे. वेन दे बोट ए बंडल ऑफ फायरवुड. तब रामाराव है वो फायरवुड परचेज करता है. रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट. रामाराव का सन है वो उस बंडल का जो प्राइस है उसको पे करने के लिए आता है. ही आस्क्ड द वुमेन. वो उस वुमेन से पूछता है जो जिसने बंडल दिया है कि हाउ मच शुड आई गिव यू, कि तुम्हारे कितना, इनके कितने पैसे हो गए. 4 pies सी सेड. वो कहती कि 4 pies हो गए इसके, 4 paise हो गए. द बॉय टोल्ड हर ही डिडंट हैव एनी चेंज. तो रामाराव का सन कहता है कि प्रेजेंटली ही हैड नो चेंज, उसके पास चेंज नहीं है. एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग. वो ये कहता है कि कल मॉर्निंग में आए. द पुअर वुमेन डिडंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज. जो पुअर वुमेन थी जो बेच रही थी उसको चेंज वर्ड का मीनिंग नहीं पता था. एंड वेंट अवे मटरिंग. मटरिंग मीन्स विस्परिंग. उसको ऐसा लगता है कि वो पैसे देने से मना कर रहा है, इसलिए वो मटरिंग करती हुई वहां से चली जाती है. आई टू डिडंट नो. नेटर को भी नहीं पता था. लेटर आफ्टर वेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्ट. बाद में नेटर जब रंगा के पास जाता है, रंगा के घर जाता है, तब उसे पता चला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज. दिस प्राइसलेस कमोडिटी. अब ये प्राइसलेस कमोडिटी क्या है? इंग्लिश कमोडिटी मीन्स थिंग, प्राइसलेस मीन्स वेरी प्रीसियस. और होसाली में ये प्राइसलेस कमोडिटी इंग्लिश को बोला गया है. द प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज डेकेड एगो. डेकेड मीन्स 10 years. 10 years पहले ये प्राइसलेस कम्युनिटी है ये होसाहली विलेज में बहुत स्प्रेड नहीं थी.
डेट वॉज वाई रंगाज होमकमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. इसीलिए रंगा का होमकमिंग एक ग्रेट इवेंट था. अब रंगा कहाँ पे गया हुआ है? रंगा लेखपाल अकाउंटेंट का सन है और लेखपाल अकाउंटेंट ने रंगा को 6 मंथ्स के लिए फर्दर स्टडी के लिए बैंगलोर भेजा हुआ है. अब उसे बैंगलोर से वापिस आना है. ये बात कब की है? 10 ईयर्स पहले, जब इंग्लिश की कंडीशन बहुत ही बेकार थी, वहां पे इंग्लिश कोई भी यूज नहीं करता था, उस टाइम की बात है. और उस टाइम रंगा है वो बैंगलोर से वापस आ रहा है 6 मंथ्स के बाद, तो उसका होमकमिंग है एक बहुत बड़ी इवेंट था. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई रंगाज होमकमिंग इज अ ग्रेट इवेंट. तो ये ग्रेट इवेंट क्यों है? आई थिंक आपको क्लियर है कि वहां पे इंग्लिश है वो वाइड स्प्रेड नहीं थी और रंगा है वो फर्स्ट था, तो लोगों को लगता है कि वो चेंज होके आएगा, इंग्लिश बोलता होगा, इसीलिए उसका होमकमिंग एक ग्रेट इवेंट था. पीपल रश्ड टू हिम टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग. जब रंगा आता है तो लोग उसके घर की ओर दौड़ते हैं और क्या कहते हैं? द अकाउंटेंट्स सन हैज कम. अकाउंटेंट का सन आ गया है. द बॉय हु हैड गोन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर. जो बैंगलोर स्टडी के लिए गया था वो वापिस आ गया है. इट सीम्स एंड कम रंगा इज हेयर लेट्स गो हैव ए लुक. रंगा आ गया है चलो देखते हैं, रंगा आ गया है चलो देखते हैं, ये सब बोलते हैं लोग से घर की ओर जा रहे हैं. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड. अब वो क्राउड को देखता है नाइटर, वो भी कोर्टयार्ड में आ जाता है, अपने आंगन में आ जाता है और पूछता है कि what have all these people come. ये सब कहाँ पे जा रहे हैं? There is no performing monkey here. कोई मंकी गेम परफॉर्म हो रहा है, ये सब कहाँ पे जा रहे हैं? A boy, a fellow without any brain. एक लड़का होता है जिसमें ब्रेन नहीं होता, मीन्स ब्रेन तो होता है लेकिन वो मैच्योरिटी शो नहीं करता. लाउड इनफ फॉर everyone टू हियर. वो जोर से बोलता है कि what are you doing here then? तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? A youngster immature and without any manner. वो immaturity शो करता है, वो manners शो नहीं करता, अपने etiquette शो नहीं करता. Thinking that all these things were now of the past. अब नेटर सोचता है कि ये सब पहले की बातें हैं और वो चुप रह जाता है. Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. अब रंगा के घर के पास इतने सारे लोग होते हैं तो इतने सारे लोगों को देख के रंगा अपने घर से आता है, उसके फेस पे स्माइल होती है. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. Black hole of Calcutta means कैलकटा की काल कोठरी, या फिर ब्लैक होल मीन्स काल कोठरी. अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि यदि इतने सारे लोग रंगा के घर पे जाते तो वहां पे भीड़ हो जाती, अंधेरा हो जाता, इसीलिए उसका घर कैसा हो जाता? ब्लैक होल ऑफ कैलकटा, कैलकटा की काल कोठरी जैसा उसका घर हो जाता, इसलिए ये यूज किया गया है. थैंक गॉड इट डिडंट. लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सारे अंदर नहीं गए, रंगा पहले ही बाहर आ गया था. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 मंथ्स अगो. हर कोई ये बात है कि वो सरप्राइज था कि रंगा बिल्कुल सेम है जैसा कि वो 6 मंथ्स पहले था. व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम. एक ओल्ड लेडी होती है, वो उसके पास जाती है. रेन हर हैंड ओवर द चेस्ट, उसकी चेस्ट पे हाथ फेर के देखती है. लुक्ड इन टू हिज आईज, उसकी आंखों में देखती है. एंड सेट द जनेवरा इज स्टिल देयर. हियर जनेवरा मीन्स द सैक्रेड थ्रेड वोन बाई ब्राह्मिन्स. जो ब्राह्मीन पहनते हैं एक पवित्र धागा, उसको यहाँ पे जनेवरा बोला गया है, जनेऊ बोला गया है. तो लेडी उसकी चेस्ट पे हाथ फेर के क्या देखती है? वो जनेऊ को देखती है और कहते हैं कि जनेऊ अब भी है. He hasn't lost his caste. इसका मतलब है कि उसने मैनर्स को नहीं खोया, उसके संस्कार एज इट इज हैं. ये पॉइंट प्रूव करता है कि he was follower of caste. She went away soon after that. Ranga laughed. इसके बाद वो चली जाती है. Ranga laughed. Once they realized that Ranga still had the same hand, leg, eyes and nose.
और एक बार जब लोग देख लेते हैं कि रंगा बिल्कुल वैसा ही है, वही आईज नोज हैंड लेग है उसके, तो द क्राउड मेल्टेड अवे, तो क्राउड है वो चली एकदम से चली जाती है। कैसे? लाइक ए लंप ऑफ सुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ। लंप मीन्स पीस, कि जैसे कि एक बच्चा है उसके अगर मुंह में हम सुगर का एक पीस रख देते हैं तो एकदम से उसको खा जाता है, तो वैसे ही जब क्राउड इस बात को शो कर लेती है कि रंगा के कास्ट एजिटीज है वो बिल्कुल पहले जैसा ही है, तो भीड़ एकदम से चली जाती है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन नेटर वहीं पे खड़ा रहता है। आफ्टर एवरीवन हैड गोन आई आस्क्ड, सबके जाने के बाद पूछता है, हाउ आर यू रंगप्पा, तुम कैसे हो रंगप्पा, रंगप्पा रंगा। इज एवरीथिंग वेल विद यू, सब कुछ ठीक है। इट वॉज ओनली देन रंगा नोटिस्ड मी, जब नेटर ये बातें बोलता है तभी रंगा उसको नोटिस करता है। ही केम नियर मी एंड डिड ए नमस्कारा रेस्पेक्टफुली, वो नेटर के पास आता है, उसको विश करता है, सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे आशीर्वाद।